चेहरा भरा जाए, हैंडपंप की खतर खतर नहीं, नहीं तो बेटी से कह दिया जा पानी भर के ला, तो बेटी घंटों हैंडपंप से लटक रही है बेचारी। अब ये 100 कितने गांव की योजना है, ये एजेंसी तय हो गई? हाँ सर, हो गई सर। काम कब तक होगा? सर अनुमान के अनुसार दिसंबर 24 तक है, बट हम इसको दिसंबर 23 तक करने का प्रयास करेंगे। अब दिसंबर 23 तक करने का प्रयास करो। अब एक जवाबदारी आपको भैया दे दूं आप सबको। देखो अपने अपने गांव में देखना रे, टंकी सही बन रही है कि नहीं, पाइप सही डल रहे है कि नहीं। मामा कहाँ देखे बताओ, हम अकेले देख सकते हैं क्या? और इसलिए जनता भी जागरूक रह के इन कामों को देखे, ताकि काम ठीक ढंग से हो, पूरे हो, और आप भी एजेंसी से समय पर काम करवा कर गए। जो अच्छा काम कर रहे हैं अफसर, मैंने कल भी कहा था, उनको कंधे पे बिठाऊंगा, पुरस्कृत करूंगा, और काम ठीक नहीं हुआ तो फिर नहीं छोड़ूंगा। ये साफ साफ मामा का कहना है। पीआईटी बढ़िया काम करे। आईटीआई कौन बना रहा है, जरा हमको बुला ले। आईटीआई वाले हाँ बुला दे ही रहा हूं भैया। सर और सीएम राय स्कूल भी आप ही बना रहे, सीएम राय स्कूल कौन बना रहे? पहले ये इन्हीं को दो। आईटीआई कब तक बन जाएगी? माइक लो जरा, जनता के गाना पे। अरे जनता ही का पैसा है अपना, क्या धरा? राम की चिड़ैया है, राम कोई खेत, जो कुछ खेल तो जनता ही का है। इसलिए अपन तो जनता के बताए कब तक बनेगी? दिसंबर 23। नोट करके रख लेना, गड़बड़ नहीं हो जाए, हरी पत्ती हो रही है, ठीक है। और सीएम राय स्कूल कौन बना रहे? आप बताओ कब तक बनाओगे? हमने तो दे दिया 35 करोड़ रुपया। सर एजेंसी आ चुकी है और दिसंबर में हम उसको चालू कर देंगे, 18 महीने का समय दिया हुआ है। अच्छा बनना चाहिए। ये सीएम राज स्कूल भी देखना भैया ढंग से, ये गरीब और किसानों के बेटा बेटियों के लिए है, ताकि ढंग से हमारी बच्चों की पढ़ाई हो सके। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, इरिगेशन वाले आ जाएंगे, सिंचाई वाले ऐसे ही सवाल ठीक है नहीं? परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, लोग बता रहे टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा, और इसलिए बीच में मत बोलो। जब मैं तुम्हारा प्रतिनिधि हूं, मुझ पर विश्वास है कि नहीं? ठीक है, पानी कैसे पहुंचे बताओ। देखिए सामंजस्य बनाइए, एक तो भैया समय पर रिपेयर होती कि नहीं नहरें ये बताओ मुझे। सर मेरे निवेदन है सर, ये जो पुरानी इंजीनियर थी सर, उनका ट्रांसफर होकर ये बोले ने अभी चार्ज लिया है सर। इन्हें लिया नहीं जी सर, अभी चार्ज लिया है। अब इन्हें आज ही चार्ज लिया है, इसलिए आज मैं, क्योंकि पुरानी कोई थे तो उनको यहां से विदा कर दिया। हाँ मैं भी कह रहा हूं ना, नहीं तो बैठो बैठो। अब ऐसा करो, आ जाएंगे कि अपनी जनता और अपने लोग हैं, ठीक से पानी पहुंच जाए। कब चार्ज लिया आपने? सवेरे चार्ज लिया है, आप देख के सामंजस्य बना के पानी मिल जाए इस बात का इंतजाम करें। और पुराने जो अधिकारी थी उसकी शिकायतें थी, इसलिए मैंने उनको यहां से हटा दिया है,
अब हटा तो दिया, उनकी जांच और करवाऊंगा, आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी आप जाके देखो और कैसे व्यवस्था बेहतर बन सकती है, आप इसका उपाय करो मेरे। ठीक है, तो चलो फटाफट बढ़िया काम करो ताकि नीचे तक पानी पहुंच जाए। मेरे बहनों और भाइयों, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे पीने का पानी का सवाल हो, चाहे बाकी चीजें हो, लगातार विकास के काम भी हो जाए और जनता के कल्याण के काम भी हो जाए, इनका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आज कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पे हुआ है। अभी हमने सीएम जन सेवा के शिविर लगाए थे, यहाँ शिविर लगे थे सब जगह। कलेक्टर आ जाए जरा माइक को बताएं, कितने आवेदन आए शिविर में, कितने आवेदन आए? मामा खड़ा, तुम कैसे खड़े हो जाए बैठ। सर 2,78,203 सर, 2,78,203, 2,78,203 आवेदन आए, इनमें से स्वीकृत कितने किए? सर 2,57,134, 92% सर, 2,57,134। देखो मेरे बहन और भाई, 38 योजनाओं के 2,57,000, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के मामले हो, किसानों से शिकायत मुझे मिल रही थी, पीएम और सीएम किसान सम्मान निधि की, हमने कहा जाओ आवेदन लो और पंजाब में भेजा, पंजाब में शिविर लगवाया, ताकि पंजाब में ही जाके हमारा प्रशासन बैठे, आवेदन ले और वहां समस्या का समाधान करे। मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं, 2,57,000 लोगों के आवेदन आपने स्वीकृत कर दिए और अगले महीने से उन सबको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हमने तय किया कि सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, सरकार गांव के चौपाल से चलेगी, और इसलिए गांव गांव ये शिविर हमने लगाए, ताकि जो जायज चीजें हैं, उज्जवला रसोई गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा, कनेक्शन मिल जाए, अलग अलग राशन कार्ड, अगर गरीबी रेखा में नाम है, राशन नहीं मिल रहा ढंग के, ढंग से राशन मिल जाए, राशन कार्ड कौन कौन के पास है जरा हाथ उठाओ, जिनके पास राशन कार्ड है हाथ उठाओ, गरीबी वाले भैया जिनके पास हो उठा दीजिए, शर्माइयो मत। अब ये बताओ राशन मिल रहा है कि नहीं, बताओ मिल रहा है कि नहीं? अब ये राशन की दुकान का चेक हो रही कि नहीं? सर हमने पूरी जांच कराई है सर, जांच शिकायत हुई थी सर, हमने 9 जगह एफआईआर भी कराई है सर। देखो भाई मेरा सीधा निर्देश है, गरीब का राशन कोई खाए चाहे कोई भी हो, हथकड़ी लगवा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बता? ये 9 एफआईआर हुए ढंग से जांच करके, और गड़बड़ हो तो भेजो जेल, अपन को किसी की परवाह नहीं, जनता का काम ठीक होना चाहिए बस, और दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं है। जनता की सुविधा की जितनी चीजें हैं, कमिश्नर खड़े हैं, कलेक्टर खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, हम जनता के सेवक हैं, जब मुख्यमंत्री सेवक है तो हम सब सेवक हैं, और इसलिए ढंग से जनता की ये सारी व्यवस्था बनना चाहिए। अब अपने स्वीकृति पत्र बटे कि नहीं? अभी सर 19 तारीख को जन जो अपना रखा है संभाग स्तरीय शिविर, उसमें तो वो मैं बता रहा हूं आपको, 19 या 19 को विधानसभा, तो अगले शनिवार को हम सारे स्वीकृति पत्र जितने जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता हैं पार्टी के भी, सेवा कर लो भैया, अपने हाथों से गांव गांव में बांटो स्वीकृति पत्र, दूसरे के हाथ में नहीं पहुंच जाए। नहीं, कई लोग बड़े कलाकार होते हैं, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया तो पैसा तो हम सीधे खाते में डालते हैं, लेकिन कई ऐसे भी आ जाते हैं कि दे दो 10,000। ऐसी शिकायत एक तो आई है मेरे पास, आप जांच करवा लें, ऐसे भी कोई है तो इनको मत छोड़ जी सर। जो जनता का पैसा खाए उसकी छुट्टी करो यार, बहुत बेरोजगार है, दूसरों को काम दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा काम करने वालों को
सम्मानित किया जाएगा, बहुत अच्छे लोग हैं। अब मैं कल सीहोर जिले में था, मैं आपको बता रहा हूँ वहां के शिक्षकों ने, सीहोर जिले के शिक्षकों ने तय किया कि हर स्कूल में वो खुद के पैसे से टीवी देके स्मार्ट क्लास शुरू करेंगे और 1500 टीवी खरीद के स्कूल में दान कर दिए शिक्षकों ने। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो इतना अच्छा काम ऐसे कई लोग कई अधिकारी करनी चाहिए तो बेहतर काम कर रहे, उन सबका सम्मान। लेकिन ये सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्र हाथ में मिले और अगले महीना उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए, इस काम में हम सब लोग जुट जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो मेरे बहनों और भाई, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये राशन रोटी के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान जिसमें 60% पैसा प्रधानमंत्री भेजते हैं, 40% पैसा हम मिलाते हैं आवास प्लस के, जितने मकान स्वीकृत हुए विदिशा जिले में, सीओ जिला पंचायत का 9,000 टोटल 99,000 99,000 ये सब मकान की पहली किस्त पहुंची की नहीं सर, जो आवास प्लस की है, बाकी तो सर 77,000 हमारे कंप्लीट हो गए। आवास प्लस जो अभी आए हैं, हाँ सर, अभी कितने आए जिले में अभी आवास प्लस? 14,000 सर। तो 14,000 की किस्त पहुंची पहले सर, 99% किस्त पहुंची है, कुछ 1% क्यों नहीं पहुंची सर? जिनके खाते मृत्यु हो गए हैं तो उनके रिश्तेदारों के खाते नहीं मिले, हाँ सर। इसमें लेन देन तो नहीं हुआ कुछ नीचे सर? इसमें कार्रवाई भी की है, एक जीआरएस को हमने सर टर्मिनेट किया है यहाँ के, कोई भी अगर नीचे पैसा ले ले तो टर्मिनेट कर हटाओ। ये अपने आवास का सवाल है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं अभी, अपने आयुष्मान कार्ड कितने स्वीकृत हुए बताइए जरा कलेक्टर साहब, आयुष्मान कार्ड कितने स्वीकृत? 6,49,000 सर, 6,49,000 सर। और अभी अभियान में सर पूरे मिला के 6,50,000 हमने 70। देखो भैया, आयुष्मान कार्ड का मतलब है, भगवान ना करे कोई गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो 5,00,000 रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी करने का पैसा सरकार भरेगी, आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, ताकि बीमारी में कम से कम इलाज की व्यवस्था हमारी ठीक ठाक हो जाए और जनता को परेशान ना होना पड़े, पैसा देना उधार लेके इलाज न करवाना पड़े। ये जितनी चीजें हैं सरकार की तरफ से, चाहे गरीब हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे माता